नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज 9x। दी न्यूज 9x में आप सभी का स्वागत है। लोजपा में जब बड़ी टूट हुई तो इस टूट में सबसे बड़ा नाम सामने आया, उसका नाम है सौरभ पांडे। यह वही सौरभ पांडे है जिसने पारस गुट के लोगों को काफी नाखुश किया है और उनका एक स्वर में कहना है, लोजपा को बचाना है, सौरभ को हटाना है। खुद पर लगे आरोपों पर अब तक सौरभ पांडे चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन उनके एक ट्वीट से पूरे बिहार की राजनीति सहित पारस खेमे को हिलाकर रख दिया है। आइए जानते हैं इस ट्वीट में आखिरकार क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, जिसने मेहनत की है अब वो है ही नहीं, जिसने पार्टी को आगे बढ़ाने की जिद देखी है अब वो है ही नहीं। आइए हम सब मिलकर चिराग के नेतृत्व में आगे बढ़ें। इस ट्वीट के साथ ही सौरभ पांडे ने एक पत्र भी जारी किया है। 1 जनवरी 2020 को दिवंगत रामविलास पासवान जी ने उनके लिए एक पत्र लिखा था। इस पत्र में रामविलास पासवान ने लिखा था, सौरभ तुम सिर्फ परिवार के सदस्य ही नहीं हो बल्कि चिराग जैसे ही हो। चिराग आज जिस भी ऊंचाई पर पहुंचा हो इसमें तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है। राजनीति में आने के सलाह के साथ ही जिस तरह तुम चिराग के साथ हमेशा से साए के साथ खड़े रहे हो, वैसे करोड़ों में से कोई एक दोस्त होता है। पता है और मैं जानता हूं कि तुम्हें कई बार कई आलोचनाएं सुनने को मिलती है, लेकिन तुम इसकी परवाह नहीं करते हो। आदमी जितना बड़ा होता है उसकी उतनी आलोचना भी होती है। आज तुम्हारी वजह से चिराग सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि पार्टी का अध्यक्ष भी है। इस पूरे प्रकरण में सौरभ पांडे केंद्र बिंदु हैं, इसलिए सौरभ पांडे के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सौरभ पांडे वर्तमान में चिराग पासवान के निजी सलाहकार हैं। बताया जाता है कि सौरभ पांडे 2014 में चिराग पासवान से जुड़े थे। वहीं लोजपा के बागी नेताओं की माने तो जैसे जैसे चिराग पासवान का कद बढ़ता गया वैसे वैसे सौरभ पांडे की पकड़ लोजपा में बढ़ती गई। सौरभ पांडे यूपी लोजपा के अध्यक्ष मणिशंकर पांडे के बेटे हैं। वकालत की पढ़ाई पूरी कर चुके सौरभ पांडे हरी फर्स्ट बिहार फर्स्ट कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा की ओर से चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपको समझ में आ चुका होगा कि यह सौरभ पांडे कौन है और यह पूरा मामला आखिर लोजपा के घर के अंदर क्यों चल रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना है, आगे क्या कुछ नया अपडेट आता है हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप बने रहें दी न्यूज 9x के साथ। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज 9x को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।